हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वही दो इंडिकेटर के बारे में जो पिछला वाला जो वीडियो अपलोड किया था, सिर्फ मैं उसमें रीटेस्ट पे एंट्री लिया था। इधर से हम वही इंडिकेटर फिर से अप्लाई करके ट्रेडिंग करने वाले हैं एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल होने वाले, तो वीडियो को यहाँ तक बने रहिए। इधर से हम इंडिकेटर को अप्लाई कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं 10 पीरियड का मूविंग एवरेज और आपको लेना है 7 पीरियड का फ्रैक्टल चूज बैंड। देखिए, इधर से मैं सेट कर देता हूँ, कोई आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए फुल मोबाइल स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए गाइस, आपको सारा कुछ डिटेल होने वाला है। ठीक है, इधर से देखिए फ्रैक्टल चूज बैंड का मैंने 7 पीरियड सेलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, इधर से अप्लाई कर दिया। इधर से मैं देखिए टारगेट आपको कैसे फाइन करना है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, देखिए इसका टारगेट होगा ये वाला जो नीचे वाला लेवल है ना, देखिए फ्रैक्टल चूज बैंड का नीचे वाला सपोर्ट लाइन। ठीक है, उस तक तो मार्केट 99% आएगा, तो देख लेना गाइस। इधर से मैं नेक्स्ट कैंडल पे लेने वाला हूँ डाउन डायरेक्शन में एंट्री। अगर इसी क्या देखते हैं इसमें क्या होता है इस नेक्स्ट कैंडल पे, मेरे हिसाब से देखिए 99% चांस है कि और एक रेड कैंडल बनेगा, मार्केट बनाएगा। ठीक है, इधर से मैं 60,000 की ट्रेड ओपन करने वाला हूँ नेक्स्ट 1 मिनट के लिए। इधर से हम 1 सेकेंड क्लोजिंग पे एंट्री लेना है हमको। ठीक है गाइस, जैसे ही कैंडल्स क्लोज होता है तो उधर से आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, अगर अच्छा एंट्री लेंगे ना तो आपको विनिंग चांस ज़्यादा होता है। तो देखिए जहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हो ना, उस तक तो 99% चांस आएगी मार्केट आएगा। नहीं तो अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया ना, नीचे इधर एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, फ्रैक्टल चूज बैंड का सपोर्ट लाइन है, उस तक तो 110% आएगा मार्केट। देखिए अगर इसको ब्रेक करता है तो गाइस, ठीक है चलिए देखते हैं। देखिए इधर से मैं मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करने वाला हूँ, आपको भी मनी मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। इस इधर से देखिए कुछ सेकंड बाकी है, और देखिए जो मैं बोला था ना आपको जो 10 पीरियड का मूविंग है, और देखिए फ्रैक्टल चूज बैंड का 7 पीरियड का फ्रैक्टल चूज बैंड है ना, इधर से मार्केट देखिए ब्रेकआउट होने का चांस है मार्केट का। इधर से मैं 50,000 की अमाउंट सेट कर दिया हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल 110% और एक रेड कैंडल बनने के चांस है, क्योंकि इसका लाइन को इस वाले लाइन को ये वाला कैंडल ने ब्रेक दे दिया है। ठीक है, इधर से मैं डाउन डायरेक्शन में देने वाला हूँ ट्रेड्स। ठीक है गाइस, 50,000 की एक ट्रेड ओपन किया हूँ मैं, क्योंकि देखिए हमारा अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से, हम कैपिटल के हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इधर से। ठीक है, तो देखिए इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा ये वाला लेवल। ठीक है, आपको ऐसे टारगेट फाइन करना है। तो देखिए फुल मोबाइल स्ट्रैटेजी से, तो देखिए अभी तक मेरे न्यू मेंबर जो भी चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है गाइस, ऐसे मैं स्ट्रैटेजीज की वीडियोस लाते रहता हूँ और लाइव मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ इधर से। ठीक है, आपको सब सारा कुछ डिटेल बताता हूँ ये वाला इंडिकेटर कैसे काम करता है, और भी मैं आगे अलग 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 इंडिकेटर्स पर मैं वीडियोज लाने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और देखिए अगर हमने हमारे फ्री टेलीग्राम अपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उधर से ज्वाइन हो सकते हो। और कुछ दिनों में मैं क्विटैक्स के भी स्किनर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, इधर से हम अमाउंट को और भी कम कर दिए, क्योंकि देखिए और एक रेट कैंडल बनना चाहिए, मैं मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, इधर से देखिए मार्केट को इस वाले लाइन तक तो आना चाहिए। ठीक है, इस वाले नीचे वाले लाइन तक तो 99% आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जब भी किसी भी लाइन का ब्रेक होता है तो नेक्स्ट उसका हो जाता है और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन तक तो जाता है, 99% चांस है कि मार्केट उस लाइन तक तो जाता है। ठीक है, जैसे ही इस लाइन को टच करेगा उधर से मैं अप डायरेक्शन में लूंगा एंट्री। ठीक है गाइस, ये देखिए गाइस हमारे बैक टू बैक विनिंग है, 1, 2 और थर्ड, हमारा थर्ड ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है, देखिए आपको अगर सीखना है समझना है तो देखिए वीडियो को यहाँ तक बने रहना चाहिए आपको। ठीक है, तभी आपको स्ट्रैटेजीज के मतलब इस इंडिकेटर को यूज करना पता चल जाएगा कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, देखिए सिर्फ मोबाइल में वर्क करता है, मतलब दोनों में वर्क करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में आपको आसानी होगी ट्रेडिंग करने में। ठीक है, ओनली मैं मोबाइल स्ट्रैटेजीज ला रहा हूँ। ठीक है, इधर से मैं अप डायरेक्शन में एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए उस लाइन को टच किया है मार्केट ने, इधर से एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए मार्केट को। देखिए और एक बार बताना चाहूँगा, इस जो सपोर्ट लाइन है ना, इधर से देखिए मार्केट क्या करेगा, एक दो कैंडल एरर दे सकता है मेरे हिसाब से, अगर यही ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट आप और भी अप डायरेक्शन में जा सकता है। देखिए मार्केट में 100% कोई भी नहीं, आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। देखिए मैं अमाउंट कम कर दिया हूँ, इधर से मैं ओनली 4,000 की ट्रेड लिया हूँ दो। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, देखिए मार्केट उधर ही मतलब एक दो कैंडल एरर देने की कोशिश करता है, तो इसको हमको मार्टिंगल फॉलो करके उसको लॉस को रिकवरी करना है। ठीक है गाइस, देखते हैं इसमें क्या होता है हमको, मेरे हिसाब से तो हमारा विन होना चाहिए।
और कुछ सेकंड बाकी है, तो 10 और कुछ सेकंड बाकी है गाइस, 5 सेकंड, 4 3 2 गाइस। चलिए कोई बात नहीं, एक लॉस एक हमारा प्रॉफिट, और इधर से मैं मल्टी पार्टी ओपन कराया हूँ अप डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए एक श्योर है, मैं बोला था ना एक दो कैंडल मार्केट एरर दे सकता है, इधर वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करेंगे हम, ठीक है। देखिए वन स्टेप मार्टिंगल अगर देखो कुछ इस तरीके से और थोड़ा नीचे आना चाहिए था मेरे हिसाब से, देखिए रिजेक्शन है ना इस वाले कैंडल पे, इधर से मार्केट अप डायरेक्शन में चला गया है, इसलिए मैं ले आऊँ और भी अप डायरेक्शन में एंट्री ले आऊँ, ठीक है। वन स्टेप मार्टिंगल इधर से मैं फॉलो किया हूँ, मल्टीपल ट्रेड ओपन किया हूँ इधर से मैं, देखिए हिस्ट्री हमारी, ठीक है। देखिए एक ट्रेड लॉस एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उस एक ट्रेड को हमको इधर रिकवरी करना है, मल्टीपल ट्रेड ओपन किया हूँ इधर से, देखते हैं अगर ग्रीन बनता है तो कैंडल मतलब इसको लाइन को एक्सपेक्ट करके मार्केट अप डायरेक्शन में, मतलब एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया होना, जैसे देखिए फ्रैक्टल चूज बैंड का नीचे वाला लाइन हो गया वो काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपको फाइन करना है टारगेट, देखते हैं इस वाले कैंडल का मूवमेंट देखते हैं, अगर ग्रीन बनता है तो और भी हम लेंगे अप डायरेक्शन में एंट्री, ठीक है। ठीक है 9, देखिए गाइस बूम प्रॉफिट होएगा गाइस, ओके हमारे बैक टू बैक विनिंग हुए, ठीक है। इधर से मैं अमाउंट कम कर दिया हूँ, 8400 के हम ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए मार्केट को और भी थोड़ा अप डायरेक्शन में जाना चाहिए, 10 पीरियड तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर देखिए अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं तो आप ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी कभी मैं सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर मेरे शॉर्ट सिग्नल्स लेना चाहते हो तो बस आपको एक 5 मिनट में वो वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ओल्ड बिनोम अकाउंट ब्लॉक करके मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेडर आईडी एंड डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करना होगा, ठीक है। अगर आपको क्यूटेक्स के सिग्नल्स चाहिए तो आपको उसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। ओल्ड अकाउंट आपका डिलीट करके मेरे लिंक के थ्रू आपको न्यू ईमेल आईडी से, ठीक है, दोनों भी अकाउंट आपको न्यू ईमेल आईडी से क्रिएट करना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर वही रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको उसमें वीआईपी में काफ़ी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1 गाइस, इसमें भी हमको प्रॉफिट हो चुका है, देखिए गाइस बूम, ठीक है। तो अब थोड़ा वेटिंग करना है, देखिए इसका टारगेट देखना है, ठीक है। आपको इधर देखिए इससे ऊपर वाला जो ब्रेक है ना लाइन, तो उस तक तो 99% चांस ही कुछ तक तो जाने वाला है, ठीक है। इस कैंडल पर हम थोड़ा वेटिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट को देखिए इस वाले लाइन तक तो जाना चाहिए, इसलिए देखिए इधर 10 पीरियड का मूविंग एवरेज काम नहीं करेगा इस मतलब इस सिचुएशन में, ठीक है। थोड़ा और भी ऊपर जाने का चांस है मार्केट का, तो हम इस कैंडल पे वेटिंग करेंगे, क्योंकि देखिए 50-50 इस कैंडल पे, ठीक है। 50-50 या अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या डाउन डायरेक्शन में आ सकता है, देखते हैं इस कैंडल का मोमेंट। अगर उस लाइन तक तो जाता है तो जैसे मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। इस लाइन तक देखिए जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूँ, इधर से फ्रैक्टल चूज बैंड का सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया इस वाले कैंडल ने, ठीक है। इधर से मैं डाउन डायरेक्शन में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। 400 के ट्रेड ओपन किया हो और थोड़ा अमाउंट बढ़ा करके लेंगे, थोड़ा ऊपर गया तो ठीक है। इधर से हम थोड़ा अमाउंट में बढ़ा दिया हूँ, इधर से 1600 की इधर से डाउन डायरेक्शन में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये हमारा ट्रेड्स हो गया, कुछ ट्रेड इधर से मैं डाउन डायरेक्शन में ले आऊँ। देखिए हमारे मनी मैनेजमेंट के साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तभी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। देखिए अगर आप वीआईपी में ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, देखिए उधर भी बैक टू बैक तो विनिंग मतलब मैं गारंटी दे नहीं सकता, कभी कभी मार्केट फुल वॉलेटाइल रहता है, कभी कभी आपको मार्टिंगल भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो 3 to 5 मिनट के मैं उधर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप मेरे सिग्नल्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए और कुछ सेकेंड इसके अंदर बाकी है, देखते हैं इस कैंडल का मोमेंट, इधर से डाउन डायरेक्शन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, क्या करता है इस वाला कैंडल, इधर से मैं अमाउंट सेट कर दिया हूँ, ठीक है 16,000 के, तो इधर से वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करेंगे हम, इधर से थोड़ा ऊपर जाने देते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट ट्रेड हमको लॉस हो गया, ठीक है। इधर से मैं कुछ ट्रेड डाउन डायरेक्शन में ले आऊँ, ठीक है गाइस। 5 ट्रेड ओपन किया हूँ डाउन डायरेक्शन में, देखते इसका क्या होता है रिजल्ट। देखिए कैसे मैं मनी को मैनेज करता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे को लॉस होता भी है तो मैं मनी को और भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। 50,000 की मैं नेक्स्ट ट्रेड ओपन करने वाला, अगर मेरे को लॉस होता है तो, अगर प्रॉफिट होता है तो हम अमाउंट को कम कर देंगे, इसलिए अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए गाइस, ठीक है। ये देखिए गाइस हमको मार्केट अपोजिट जा रहा है, चलिए इसका टारगेट होगा ये वाला ऊपर वाला लाइन, ठीक है। इसका होगा रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। ये देखिए इधर से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ गया था, ठीक है। देखते
हमारे दो ट्रेड लॉस हुए, इधर से मैं अमाउंट सेट कर देता हूँ 50,000, ठीक है। इधर से हम ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन में एंट्री, थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, इधर से हम एंट्री चलेगा, इधर से हम एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं, देखिए थर्ड स्टेप मार्टिंगल है मेरा, ठीक है। कभी कभी मैं फर्स्ट स्टेप भी जाता हूँ। अगर आपको कभी, देखिए आपको मनी मैनेजमेंट करना आ गया ना, तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई भी नहीं होगा, तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। आपसे बड़ा ट्रेडर कोई भी नहीं होगा। आपको अगर मनी मैनेजमेंट सही तरीके से फॉलो करना आ गया ना, तो आप एक प्रो ट्रेडर की तरह रहोगे, ठीक है। आपको मनी मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका देखिए, इसका रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि इधर से 99% चांस है कि मार्केट को एक रेड कैंडल क्रिएट करना चाहिए। देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बाद कुछ रेड कैंडल निकलते हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसको मतलब इधर से रेड कैंडल क्रिएट होना चाहिए, इसलिए मैं इधर से कुछ ट्रेड इधर से ऐड किया हूँ, 6 ट्रेड ओपन किया हूँ डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि ये मेरा रिकवरी है, ऐसे मैं रिकवरी करता हूँ अपना, ठीक है। देखते हैं, अभी तो अपोजिट जा रहा है, इधर से रेड कैंडल क्रिएट होना चाहिए गाइस। 9 सेकेंड बाकी है, अभी 7 4 3 2 गाइस, ये हो गया हमारा बूम प्रॉफिट गाइस। देखिए हमारा लॉस रिकवरी हो चुका है, इधर से हमको अमाउंट कम कर देना, ठीक है। ऐसे देखिए स्ट्रेटजीज की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। ये देखिए हमारा हिस्ट्री, देखिए कितना लॉस हुआ है, आपके लाइव आपके आंखों के सामने मैं ट्रेडिंग किया हूँ, और देखिए अच्छा खासा मना हमको प्रॉफिट भी हुआ है गाइस, और हमने मनी मैनेजमेंट भी सही तरीके से फॉलो किया है। आपको भी ऐसे ही मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेडिंग करना है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए गाइस। ऐसे ही मैं स्ट्रेटजीज की वीडियोस लाते रहता हूँ, ठीक है। 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं एक फॉरेक्स ट्रेडिंग भी, मतलब मेरा एक मास्टर अकाउंट है ऑक्टाफेस कॉफी ट्रेडिंग में, ठीक है। उस मास्टर अकाउंट को भी मैं मतलब चला रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो शूट करने में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर जल्द से जल्द फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन हो सकते हो, उधर से मेरे सिग्नल्स ले सकते हो, ठीक है। छोटा सा प्रोसेस आप 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको छोटा मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो, 1000 या 2000 आप डिपॉजिट कर सकते हो। उधर से आपको मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग करना है उधर भी, ठीक है। क्योंकि देखिए 100% मार्केट में कोई भी नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।